हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम झकास। तो बच्चों, मैं दोबारा एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये एक डाउट होता है बच्चों के, जो बच्चे हमें डाउट करते हैं, डाउट भेजते हैं, उसी का मैं सॉल्यूशन इस लेकर आता हूँ। तो उसी में से एक क्वेश्चन है बच्चों, और जिसका डाउट था उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। और क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। इफ अ रबर बॉल इज टेकन एट द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों के। एक रबर का बॉल है जो एक डेप्थ में मिलता है हमें 200 मीटर की गहराई पर, यानी कि एच दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाई दिस, यानी कि बच्चों डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 0.1%, यानी कि डेल्टा वी आ गया 0.1 अपॉन में 100, डेसिमल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.001 डेल्टा वी अपॉन वी, ओके। डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, ओके। जी की भी वैल्यू गिवन है 10 m/s² बच्चों। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ साफ दिख रहा है ये प्रेशर की यूनिट होती है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी होती। इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। अब स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर होता है। तो पी अपॉन स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन? तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे, यानी डेल्टा वी अपॉन वी, ओके। पी का फॉर्मूला हम बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, पी का एच रो जी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन वी। ये जो फॉर्मूला है एच रो जी, मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें हमने एच रो जी को डिराइव करके दिखा दिया एक छोटे से बॉक्स के अंदर। सो एच रो जी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.001। अब हम बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगी। हाइट कितनी है? 200 मीटर पुट कर दो। डेंसिटी गिवन है बच्चों 10³, ओके, इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10 अपॉन में 0.001, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 000। अब हम देखते हैं क्या 30 यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 40 चार हो गए, 4 × 3 = 7 और 2 = 9, यानी 2 × 10⁻⁹, ये आया बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, जो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे टेम्परेचर का क्वेश्चन अगर इलास्टिसिटी में है तो क्या हम गैसेस लॉ लगा रहे हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला ही फॉर्मूला यूज़ किया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, हम लोग जानते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है यूनिटलेस, है ना, यूनिटलेस। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस किसका फॉर्मूला होता है? प्रेशर का, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अपन यहाँ प्रेशर रख लिया है और इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है एच रो जी। हाइट आपके पास गिवन है, डेंसिटी जिसमें हम डिप कर रहे हैं, पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी गिवन है। और जी की वैल्यू कभी 9.8 तो कभी 10 होता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।